नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इस भीषण गर्मी में आपका जो एसी है पानी अगर नहीं बना रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ड्रेन लाइन एक ऐसा लाइन होता है एसी का जिसमें से हम पानी गिरते हुए देखते हैं। पानी क्यों गिरता है? जब वो एसी चलता है तो उसमें जो कूलिंग चैम्बर होता है वो ठंडा होती है और आमने सामने जो हवाएं चलती है वो पानी का रूप लेती है, जो पानी हम ड्रेन लाइन से गिरते हुए देखते हैं। तो ये पानी हम पी तो नहीं सकते लेकिन कई जगहों में इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ये पानी नहीं गिरने के कारण भी होते हैं बहुत सारे। अधिक कभी कभी ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं फिर भी पानी नहीं गिरते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो भी अभी ये पानी नहीं गिरता है। इसका कारण ये है कि ये जो भीषण गर्मी है इसमें आप देखेंगे कि जब भी आपके एसी में कूलिंग होगा और आपका रूम कूलिंग होगा वो तो रूम कूलिंग करेगा लेकिन पानी नहीं गिराएगा, या फिर रूम कूलिंग धीरे धीरे करेगा लेकिन पानी भी नहीं गिराएगा इसके साथ साथ। इन दोनों का रीज़न क्या हो सकता है गाइस? अगर आपके एसी में सही से मात्रा में कूलिंग हो रही है और फिर भी पानी नहीं गिर रहा है तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो टेम्परेचर होता है। जब आपके बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा और अंदर का टेम्परेचर भी हाई होगा और उस समय अगर आपका एसी कूलिंग करता है तो आपका रूम बहुत धीरे धीरे स्लोली कूलिंग करेगा, जिसके कारण जो पानी है वो पानी जल्दी नहीं बनेगा, कूलिंग चैम्बर में जल्दी पानी नहीं एब्जॉर्ब होगा क्योंकि रूम में अधिकतर ठंडा है। और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा बनाने के लिए ब्लोअर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हवा फेंका है जिसके ज़रिए जो कूलिंग चैम्बर में ठंडी बन रही है, जो सर्कुलेट गैस होता है वो ठंडा होता है, पाइप कॉपर पाइप कूलिंग चैम्बर वो जो ठंडा हो रहा है वो सारा हवा के माध्यम से उसको खींच करके हवा में मिक्सिंग हो जाता है जिसे हम ठंडी हवा कहते हैं। ठंडी हवा सारे रूम में आ जाएगी और थोड़ा सा भी पानी बनने नहीं देती है कूलिंग चैम्बर में, जिससे आपका पानी नहीं निकलता है जो टेम्परेचर के हिसाब से होता है। तो आपको ये जानकारी आपको कैसा लगा है? आपको डरना नहीं है कि पानी नहीं गिर रहा है, वो समय के साथ साथ जब टेम्परेचर मेंटेन होगा आपके इन्वायरमेंट में थोड़ा सा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो वो पानी बन के ज़रूर गिरेगी। और जब पानी भरने में टाइम लगेगा, देखिए जैसे कि गाइस अगर आप इसी को चलाते हैं 2 घंटा हो चुका है, रूम भी कूलिंग कर चुका है लेकिन पानी नहीं गिर रहा है, तो इसका रीज़न है कि अभी तो आपको मैंने ये रीज़न बताया, इसका रीज़न ये भी है कि आप 2 घंटे से जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में आप एसी चला रहे हैं उस टेम्परेचर में पानी नहीं गिरता है, बट आप धीरे धीरे उसको एसी को चालू रहने देंगे, अधिक देर तक चालू रखने देंगे 2 घंटा तक। मान लीजिए आप समझ जाइए कि आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो चुका है, कूलिंग वातानुकूलित हो चुका है। अब क्या है कि एसी धीरे धीरे ज़्यादा ठंडा होगा कूलिंग चैम्बर और उसके ज़रिए से आमने सामने की हवाएं ज़्यादा पानी बनेंगी और फिर पानी गिरना स्टार्ट होगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिना पैसा नहीं लगता है, फ्री है आपके लिए चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक मिलते हैं और एक नई वीडियो में। जय हिंद जय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।